आज हम आपके साथ एक पुराने समय की बहुत ही फेमस रेसिपी है उसको शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उड़द की दाल का रिकवत। रिकवत बनाने के लिए हमने इसकी दाल रात में भिगो दी थी, आप 7-8 घंटे भी भिगो सकते हैं। हमने छिलके वाली भिगोई थी तो धो धो के इसके हमने छिलके हटा दिए हैं। आपके पास अगर छिलके वाली नहीं है तो आप बिना छिलके वाली भी भिगो सकती हैं 7-8 घंटे या ओवरनाइट। अब इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। दाल को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। रिकवत में गरम मसाला बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि अभी हम ग्रेवी बनाएंगे, उसमें भी डालना है हमको। और इसमें हम 2-4 काली मिर्च डालेंगे और इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल चिकना पेस्ट मत बनाइएगा। अगर आपसे नहीं पिसती है तो 2 चम्मच पानी का प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पतली दाल नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसी होनी चाहिए भी हम आपको पीस कर दिखाते हैं। ये देखिए, दाल को हमने पीस लिया है। ये देखिए हल्की दरदरी है, बिल्कुल एकदम चिकनी नहीं पीसा है हमने। इस तरह से दाल को पीसिएगा। सारी दाल हमने निकाल ली है और ये देखिए 2 चम्मच दाल हमने इसमें बचा दी है। ये हम घोर कर ग्रेवी में डालेंगे। इसको पूरी अच्छी तरह से धो लेंगे। जब मसाला हमारा पक जाएगा तब हम बताएंगे इसका यूज हम कब करेंगे। अब इसको हम 1 से 2 मिनट खूब फेटेंगे, जिससे हमारे जो रिकवत हम डालेंगे रसे में खूब मुलायम बने। इस तरह से 2 मिनट फेटेंगे और फिर दाल को एक साइड रख देंगे। देखिए दाल को ऐसी होनी चाहिए, देखिए गिरे नहीं, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से दाल हो पिसनी चाहिए। इससे ज्यादा ना पतली होनी चाहिए ना इससे ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम मसाला तैयार करने। इसके लिए देखिए हमने 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच लेंगे। आपको अगर तीखा खाना है तो आप तीखी वाली मिर्च का प्रयोग करिए। और इसमें हम 1/2 चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक इसका हम घोल तैयार करेंगे। इस तरह करने से जो आपके मसाले हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं और पकाते समय आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। इस तरह से इसको हम मिला लेंगे। इस तरह से मसालों को फुलाकर हम एक तरफ रख देंगे। ये मसाले हमारे 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। रिकवत बनाने के लिए इस तरह से कढ़ाई लीजिएगा जो थोड़ी सी फैली हो, छोटी कढ़ाई मत लीजिएगा, नहीं तो आपके जो बड़े डालेंगे वो एकदम आपस में चिपक जाएंगे। अब इसके लिए हम सरसों का तेल का प्रयोग करिएगा। अगर आप लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप जो तेल यूज करते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे मसाला बनाने के लिए हम 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे। 4 चम्मच ये तेल है, बड़ी 4 चम्मच, बहुत ज्यादा तेल नहीं है। अब ये सरसों का तेल है तो इसको हम खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे, जिसके अंदर जो हीक होती है वो हट जाती है। सरसों का तेल यूज करने में उसको गर्म करना बहुत जरूरी है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसके लिए देखिए हमने 1 लाल मिर्चा लिया है, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 2-3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 1/2 चम्मच से भी कम हमने जीरा लिया है, 7-8 हम काली मिर्च के दाने ले रहे हैं। मिर्चे का आप ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप मिर्चे का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अब आंच को देखिए, हमारा तेल खूब अच्छी तरह गर्म हो गया है। आंच को हमने धीमा कर दिया है। आंच को धीमा कर दीजिएगा, नहीं तो जो मसाले डालेंगे आपके जल जाएंगे। ये देखिए अब इनको हम कुछ सेकंड भूनेंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपना ये प्याज, एक महीन महीन एक प्याज रखा है, इसको डालेंगे। ये रेसिपी ना आपने कहीं देखी होगी ना बनाई होगी, इसलिए इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उड़द की दाल का करेल हम एक बार आपको तला हुआ बता चुके हैं। ये बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है और बहुत पुराने समय की रेसिपी है। आंच को मीडियम रखिए। अब इसी स्टेज पर हम अपना
अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको दोनों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें हमने देखिए दो छोटे प्याज, अगर एक बड़ा प्याज हो तो एक लीजिएगा, दो छोटे प्याज। अब इनको भी हम खूब अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनेंगे। ये प्याज इसमें डालना बहुत जरूरी होता है, तभी आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब इस प्याज को हम, जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगेगा मसाला, तब तक इस प्याज को हम भूनेंगे। ये देखिए इसमें से सब तरफ से तेल छूटने लगा है। हमने दो प्याज का पेस्ट बनाया था। अच्छी तरह से पूरा प्याज अदरक लहसुन पक गया है, किनारे किनारे तेल छूटने लगा है। अब इसके बाद हमने जो मसाला घोल के रखा था ये डालेंगे। इससे देखिए मसाला खूब अच्छी तरह से फूल गया है और मसाला पकने में बस अब समय लगेगा। और अब एक चीज आपको बताना भूल गए थे, इसमें हींग बहुत जरूरी है। आधा चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि उड़द की दाल है, ये गैस बनाती है डाइजेशन के लिए। देखिए आधा चम्मच हम हींग डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मसाले को खूब अच्छी तरह से हम पकाएंगे। मसाला पक जाएगा, फिर क्या करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। मीडियम आंच पर हमने मसाले को 4 से 5 मिनट खूब अच्छी तरह से पकाया है। मसाला इसका इस बात का ध्यान रखिएगा, मसाला खूब अच्छी तरह से पका होना चाहिए। ये देखिए सारा तेल छूटकर ऊपर आ गया है। जब तक अगर इसका मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो ये आपका रिकवत है जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मसाले को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है, इस बात को हम आपको बार बार बता रहे हैं। अब इसमें हम ये देखिए 2 चम्मच जो हमने दाल बचाई थी इसमें हमने पानी डाला, अब इसको हम डाल देंगे। इससे डालने से ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी बनेगी। अब आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी और पड़ेगा। अब इसको हम खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। जब ये 2-3 मिनट खूब अच्छी तरह से उबल के पक जाएगा तब उसके बाद क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। दाल को हमने 2 मिनट खूब अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंटने के बाद ही नमक डालिएगा, नहीं तो दाल बैठ जाएगी और आपके जो बहुत ही सॉफ्ट बड़े नहीं बनेंगे। इस समय में आधी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए बस जितनी ये दाल है उतना नमक डालिए। नमक डालकर इसको हम अच्छी तरह से एक बार फिर मिलाएंगे। अब चलते हैं हम इसका सबसे जो मेन इसका प्रोसेस है वो दिखाएंगे आपको, हम कैसे करना है। नमक डालकर देखिए हमने खूब अच्छी तरह से मिला लिया। जब बनाने चलिएगा तुरंत तब नमक डालिएगा, पहले नमक डालकर मत रखिएगा। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अब हम हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको छोटे छोटे से बड़े बनाने हैं। ये देखिए हल्का सा पानी लगाइए और आँच तेज रखिएगा, ये खूब तेज उबल रहा हो तब आप इसमें, अब ये काम थोड़ा सा फास्ट करना है। हमारे सारे रिक्वत अब ये खौलते पानी में एकदम से सेट हो गए हैं, देखिए टूटेंगे नहीं। जो चीज़ें बताई है उसी तरह से आप करिएगा। पानी जब खूब खौलने लगे ग्रेवी तब आप डालिएगा। अब इस समय हम आँच को धीमा करेंगे और कम से कम इसको 7-8 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। ग्रेवी आप देख लीजिए, ग्रेवी इसकी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपस में सब मिल जाएगा। अब इसको हम कवर करेंगे, 7-8 मिनट बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। 7 से 8 मिनट इसको हमने धीमी आंच पर पकाया था, अब इसका हम कवर हटाएंगे। वाओ, ये देखिए हमारा रिकवत बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो इस समय आप हरी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। रिकवत की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई। देखा, ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, इसको आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।